हेलो दोस्तों, यूट्यूबर की एक और वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। और हम आप आज के आपके लिए लेके आए हैं एक यूट्यूबर्स की नई ट्रिक्स और नई टिप्स। तो दोस्तों, होता क्या है कि आप जब यूट्यूब पर चैनल बना रहे होते हैं, आपका होता है चैनल नया, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी स्ट्रगल करना होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपटीटर हैं, बहुत सारे चैनल हैं, आपके ये वीडियो क्यों जाए सबसे आगे, सबसे ऊपर, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको कंटिन्यू करनी होती है हर एक बार। तो जैसे ही आप वीडियो अपलोड करते हैं, अपलोड करने के साथ साथ जैसे ही आप उसको टाइटल डालते हैं, वीडियो का टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए, एक तो अच्छी बात है। दूसरे टाइटल के नीचे होता है डिस्क्रिप्शन, जो कि नए नए यूट्यूबर्स होते हैं वो वहां पर छोड़ देते हैं ब्लैंक। तो ये आपको कभी नहीं करना है, टाइटल डालना है अच्छा, साथ में आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी काफी सारा लिखना है अपने बारे में, इस वीडियो के बारे में, आपने वीडियो में क्या बताया है, क्या समझाया है, तो वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखिए। जैसे कि हम लिखते हैं, नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे, उसके आप गैप दे दीजिए, क्योंकि ये लाइन तो आपको डिफॉल्ट रखनी पड़ेगी हर वीडियो में, उसके बाद थोड़ा गैप दीजिए। उसमें आपको लिखना है उस वीडियो के बारे में कि आपने वीडियो में क्या बनाया था और वीडियो से क्या है सीखने को मिलेगा, ये सबको लिख दीजिए। उसके बाद का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर आप लिख दीजिए अपने इंस्टाग्राम की आईडी है तो उसको डाल दीजिए, फेसबुक की आईडी तो वो डाल दीजिए, चैनल का जो लिंक है वो डाल दीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए कि हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के वर्ड डाल दीजिए, क्योंकि ये वर्ड तो आपके हर वीडियो में कॉमन रहने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन है और जो आखिरी की लाइन है वो कॉमन रहेंगी, बाकी वीडियो के बारे में जो क्या बताना है वो बीच में अलग रहेगा, तो वहां पे आप गैप दीजिए। तो आपको ये जो हमेशा रहेगी परमानेंट, वो फर्स्ट लाइन और आखिरी की कुछ लाइन है, उनको परमानेंटली अपने इस डिस्क्रिप्शन में सेव कर दीजिए, जिससे कि आपको जब वीडियो अपलोड करेंगे हर बार आपको ये चीज लिखना नहीं पड़ेगी, केवल वीडियो के बारे में बताना पड़ेगा बस केवल, तो ये चीज ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगी बाय डिफॉल्ट से। तो कैसे आती है ये चीज, हम आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, या अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हैं तो वहां पे भी आप आसानी से देख सकते हैं, और मोबाइल में यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम में जाके उसको डेस्कटॉप मोड पे ऑन करेंगे और आपको दिखाते हैं ये सेटिंग कहाँ की जाती है सेव। तो चलिए हमको ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। तो आपको यहाँ पर जाना होगा अपने यूट्यूब ब्राउजर पे, अपने आप यूट्यूब चैनल का नाम डाल दीजिए, उसके बाद जैसे ही इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा यूट्यूब का, और यहाँ पर आपको जाना होगा उसके बाद आएगी चैनल आइकन पे, और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो मिलेगा, यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक कर देंगे तो ये बीटा वर्जन में ओपन होता है बाय डिफॉल्ट, तो हमें बीटा वर्जन से हटा देना है इसको, और हमें आना है इसके क्लासिक मोड पर। तो क्लासिक मोड पर हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे जो सबसे नीचे आता है क्लाइक में, यहाँ से आपसे वो कुछ पूछेगा तो उसे आप स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद आप यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक पे चले जाइए, गो टू क्लासिक लेजेंसी पर, और इस तरह का ऑप्शन आपको वहाँ पे शो हो जाएंगे। इन ऑप्शन में आपको जाना होगा चैनल्स के अंदर, यहाँ पे क्लिक करेंगे चैनल पर, और चैनल पर जाने के बाद यहाँ पे आएगा आपको अपलोड डिफॉल्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ आप डाल देंगे, जो फर्स्ट लाइन डालनी है वो डाल दीजिए, और आखिरी की जो वर्ड डालनी है वो डाल दीजिए, ताकि आप जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे दोबारा से ब्राउजर के जरिए, तो वहाँ के बीच में आप जो डिटेल रखने हैं अभी वीडियो के बारे में डिटेल, वहाँ पे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये तरीका था, इस तरीके से आप इसको बाय डिफॉल्ट बना सकते हैं ताकि आपको बार बार ये सब कुछ लिखना ना पड़े। तो ये आज की वीडियो में इतना ही, और उसके बाद सेव कर दीजिए, सेव करने के बाद आप यहाँ से बाहर आ जाइए। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे हमारे चैनल पर। मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।